Shweta noticed that her Nana would get very quiet whenever anyone mentioned Pakistan. Shweta ने notice किया कि उसके नाना जो हैं हमेशा बिल्कुल चुप हो जाते हैं जब भी partition की जिक्र होता है या पाकिस्तान का जिक्र होता है. One day she decided to ask him about it. एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं इनके बारे में पूछूं ही. Her Nana told her about how he moved from Lahore to Ludhiana during partition. उनके नाना ने बताया कि कैसे वो लाहौर से लुधियाना जो है शिफ्ट हो गए पार्टीशन के दौरान. बोथ हिज पेरेंट्स वर किल्ड, उनके दोनों जो माँ बाप थे उनको मार दिया गया. इवन ही वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड बट अ नेबरिंग मुस्लिम फैमिली गेव हिम शेल्टर एंड कीप हिम इन हाइडिंग फॉर सेवरल डेज. वो तो वो भी नहीं बचते पर उनका एक पड़ोस का जो मुस्लिम परिवार था उसने उनको शरण दी और कई दिनों तक अपने यहाँ छिपाए रखा. दे हेल्प्ड हिम फाइंड सम रिलेटिव्स एंड दैट इज हाउ ही मैनेज्ड टू क्रॉस द बॉर्डर एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ. उन्होंने उनकी मदद करी कि उनके रिलेटिव्स को ढूंढ सकें और इस तरीके से उन्होंने जो है बॉर्डर को क्रॉस किया और नई जिंदगी शुरू की. हैव यू हर्ड अ सिमिलर स्टोरी, आपने ऐसी कोई सिमिलर स्टोरी सुनी है? आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी वन ऑफ दैट जनरेशन अबाउट देयर मेमोरीज ऑफ इंडिपेंडेंस डे, अबाउट देयर सेलिब्रेशन, अबाउट द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, अबाउट एक्सपेक्टेशंस दे हैड फ्रॉम इंडिपेंडेंस. अब इसी तरह से आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करो या कोई भी उस जनरेशन का हो कि उनकी कैसी मेमोरीज हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन कैसी रही, कैसा सेलिब्रेशन हुआ, क्या कहते हैं ट्रॉमा और पार्टीशन का कैसा था या कैसी एक्सपेक्टेशंस थी उनकी इस इंडिपेंडेंस से. राइट डाउन एटलीस्ट टू ऑफ दीज स्टोरीज और कम से कम दो स्टोरीज ऐसी लिख के बतानी है. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू वॉट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स. जो ब्रिटिश इंडिया थी वो डिवाइडेड थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में या फिर जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उनमें. द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी वो सारी की सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थी. ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉलर स्टेट्स रूल बाय द प्रिंसेस कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स एंजॉय सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्ट ब्रिटिश सुपरमेसी. दूसरी तरफ कुछ बड़े और छोटे राज्य ऐसे थे जिनमें प्रिंस का रूल था और इसीलिए उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था और उन पे जो कंट्रोल था वो उनके अपने इंटरनल अफेयर्स का था जब तक कि कहते हैं उन्होंने ब्रिटिश सुपरमेसी नहीं एक्सेप्ट करी. दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंटसी और सुजेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. तो ये एक तरह से कह सकते हैं हम चरम था या सुपीरियरिटी थी ब्रिटिश क्राउन की. प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया of the British Indian Empire and 1 out of 4 Indians lived in the under the princely rule. तो जो princely states थे वो लगभग कहना चाहिए जो British India Empire थी उसका 1/3 हिस्सा जो है उनके पास था और 4 में से अगर कहें तो 1 Indian जो है वो princely rule के अंडर रहता था. The problem, just before independence it was announced by the British that with the help end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely states would also lapse. अब प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले ये अनाउंस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि जब उनका रूल इंडिया में समाप्त होगा तो एक उनकी जो सुप्रीमेसी थी ब्रिटिश क्राउन की प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी वो भी खत्म हो जाएगी. दिस मेंट दैट ऑल द स्टेट्स एज मेनी एज 565 इन ऑल वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट. मतलब क्या हुआ कि जितने भी ये राज्य हैं जो 565 टोटल थे वो लीगल तौर पे इंडिपेंडेंट राज्य हो जाएंगे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दी स्टेट्स वर फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश्ड. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ये भी देखा कि अगर वो चाहें जितने भी स्टेट्स हैं वो फ्री हैं आइदर इंडिया के साथ जुड़ने के लिए या पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं जैसी उनकी मर्जी है. दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दी स्टेट्स. और ये जो डिसीजन था ये उन्होंने लोगों के हाथ में नहीं बल्कि जो वहां के रूलर्स थे उनके हाथ में छोड़ा. दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया. अब ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और इससे एक तरह से जो यूनाइटेड इंडिया की एग्जिस्टेंस थी उसको भी खतरा था. द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, समस्याएं खड़ी शुरू हो गई. फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ ट्रावनकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस. अब जो ट्रावनकोर के रूलर थे उन्होंने अनाउंस किया कि स्टेट जो है वो डिसाइड कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा. द निजाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे. सेम निजाम जो हैदराबाद के थे उनने अगले दिन अनाउंस कर दिया. रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वर अवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब जो रूलर्स थे जैसे भोपाल के नवाब थे वो नहीं इंटरेस्टेड थे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करें.
This response of the rulers of the princely states meant that after independence, there was a real possibility that India would get further divided into number of small countries. अब ये जो response आ रहा था जो princely states के rulers थे उनसे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि independence के बाद ये बहुत बड़ी possibility दिख रही थी कि India जो है फिर छोटे-छोटे countries में divide हो जाएगा. The prospects of democracy for the people in these states also looked bleak. जो एक प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे थे कि लोगों के बीच में एक प्रजातंत्र आ जाए, लोकतंत्र आ जाए इन स्टेट्स में, वो भी जो है ना के बराबर ही या कमजोर दिख रहा था. दिस वॉज अ स्टेट सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी. अब ये एक बहुत अजब सी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि जो इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था उसका मुख्य एम था कि हम एक होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर लोकतंत्र होगा. In most of these princely states, government was run in a non-democratic manner and the rulers were unwilling to give democratic right to their population. In सभी जो princely states में government जो है एक तरह से non-democratic manner से चल रही थी और rulers जो है कहीं भी इच्छुक नहीं थे कि वो जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो जनता को दिए जाए. Government's approach. Interim government took the firm stance against the possible division of India into smaller principalities of different sizes. अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी इसने क्या हुआ, एक ठोस कदम उठाया कि नहीं, जो भी पॉसिबिलिटी हो रही है इंडिया की कि और उसके और ज्यादा छोटे छोटे अलग अलग साइजेस के स्टेट्स में डिवीजन हो जाए तो उसके लिए रोकना होगा इसे. अब मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन इनिशियल कांग्रेस एंड टुक द व्यू द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक. जो मुस्लिम लीग थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध कर रही थी और इस व्यू से चल रही थी कि स्टेट्स को फ्री होना चाहिए कि वो जिसको भी चाहे उसे चुन लें. Sardar Patel was India's deputy prime minister and the home minister during the crucial period immediately following independence. Sardar Patel उस समय के इंडिया के deputy prime minister और home minister थे जब ये crucial दौर चल रहा था independence के बाद का. He played a historic role in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union. अब यहाँ इनका एक बहुत ही ऐतिहासिक रोल रहा कि इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के साथ बहुत ही फॉर्मली नेगोशिएट किया और डिप्लोमेटिक अंदाज में और ज्यादा से ज्यादा को इंडियन यूनियन में ले आए. इट मे लुक इजी नाउ, आज ये बहुत आसान लगता है, बट इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्स स्किलफुल पर्सुएशन. अब कहने को आज इजी लगता है लेकिन कुछ समय जब ये किया गया होगा तो आप में एक वाकई में आपको काबिल होना चाहिए कि आप सामने वाले को मना सको. For instance, there were 26 small states in today's Odisha. आज का जो present Odisha है उसमें लगभग 26 छोटे छोटे small states थे. Saurashtra region of Gujarat had 14 big states. Saurashtra region जो गुजरात का है उसमें 14 big states थे, 119 small states and numerous other different administration. 119 छोटे छोटे राज्य थे और भी बहुत से अलग administrations थे. The government's approach was guided by three considerations. तीन चीजों को ध्यान में रख के government जो है वो आगे बढ़ रही थी. Firstly, the people of most of the princely states clearly wanted to become the part of Indian Union. ज्यादातर जो princely states के लोग थे वो हिस्सा बनना चाहते थे Indian Union का. Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. कुछ government भी जो है वो तैयार थी कि वो flexible रहेगी, कि अगर कुछ राज्यों को autonomy देनी पड़ती है कि वो अपना स्वराज कर सके या खुद राज कर सके उस पर, तो उसके लिए भी वो तैयार थी. The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the regions. Main kya tha ki zyada se zyada logo ko jo hai ek tarah se saath laya ja sake, ek flexible approach se aage badha jaye taki in regions ki jo demands hai unko pura kar sake. Thirdly, in the backdrop of partition which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation has assumed supreme importance. अब जो पार्टीशन हुआ उससे क्या है, लोगों का ध्यान जो है किस पे गया, जो टेरिटरी की डिमार्केशन थी, मार्किंग थी, अखंडता थी, या जो एकीकरण होता है टेरिटोरियल बाउंड्रीज का नेशन के अंदर, और इसमें भी जो है काफी ज्यादा अब इम्पोर्टेंस गेन कर ली थी. बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशंस हैज ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हुज टेरिटरीज वर कंटिजियस टू द न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इनटू द इंडियन यूनियन. 15 अगस्त 1947 से पहले एक शांतिपूर्ण वार्ता, एक नेगोशिएशन जो है उसकी वजह से सारे स्टेट्स जिनकी टेरिटरीज जो है नई बाउंड्रीज जो इंडिया की थी उससे लगी हुई थी, उनको सबको इंडियन यूनियन में ले आए.
The rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession, which meant that the state agreed to become a part of the Union of India. अब जो रूलर्स थे इन स्टेट्स के, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसका मतलब है कि स्टेट एग्री कर रहा है कि वो यूनियन जो है इंडिया का उसका पार्ट बनेगा. एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट. इन सब स्टेट्स का जो एक्सेशन था वो ज्यादा मुश्किल भरा था बजाय औरों के. द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्वड आफ्टर अ प्लेबिसाइट कंफर्म पीपल्स डिजायर टू जॉइन इंडिया. जूनागढ़ का जो मुद्दा था वो तब सॉल्व हुआ जब लोगों की इच्छा हुई कि नहीं वो इंडिया ज्वाइन करेंगे. यू विल रीड अबाउट कश्मीर इन चैप्टर 8. हियर लेट अस लुक एट द केसेस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर. तो चैप्टर 8 में आप कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे और अभी हम जो केसेस देखेंगे वो हैदराबाद और मणिपुर के हैं. हैदराबाद. हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी. अब हैदराबाद जो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था वो घिरा हुआ था सारी इंडियन टेरिटरी से. Some parts of the old Hyderabad state are today parts of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. कुछ हिस्से जो है पुराने हैदराबाद स्टेट के वो आज हिस्सा है महाराष्ट्र का या कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का. Its ruler carried the title Nizam and he was one of the world's richest men. इनके जो रूलर थे उनका टाइटल था निजाम और वो वर्ल्ड के सबसे richest मैन थे. The Nizam wanted an independent status for Hyderabad. निजाम चाहते थे कि हैदराबाद का एक इंडिपेंडेंट स्टेटस हो. ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर व्हाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वाज गोइंग ऑन. इन्होंने जो है एक तरह से स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट जो है वो किया इंडिया के साथ नवंबर 1947 में, एक साल के लिए, जबकि नेगोशिएशंस जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ लगातार चल रहे थे. इन द मीन टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निजाम रूल गैदर्ड फोर्स. अब इतने बीच में क्या हुआ, लोगों का एक आंदोलन जो है हैदराबाद स्टेट के जो लोग थे उनका एक आंदोलन शुरू हो गया निजाम के रूल के खिलाफ जिसने जोर पकड़ लिया. द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ निजाम्स ऑप्रेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम. जो लोग तेलंगाना रीजन में थे खासतौर से वो निजाम के जो एक दबंग वाला रूल होता है या दबंगई वाला रूल होता है उसके शिकार थे और वो उसके खिलाफ खड़े हो गए. Women had seen the worst of this operation, joined the movement in large numbers. और women जिन्होंने ये अपना उत्पीड़न जो उन लोगों के साथ हो रहा था उसका सबसे बुरा वो देखा था, इसलिए उन्होंने भी movement को बहुत ज्यादा संख्या में join किया. Hyderabad town was the nerve center of this movement. अब हैदराबाद जो town था वो मुख्य केंद्र था इस movement का. The communist and the Hyderabadi Congress were in the forefront of the movement. जो communist थे और जो हैदराबाद कांग्रेस थी वो सबसे आगे थे इस आंदोलन में. द निजाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलीशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज द राजाकर्स ऑन द पीपल. अब निजाम ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि पब्लिक उसके अगेंस्ट हुई थी, उसने पैरामिलिट्री फोर्स को जो है इनके ऊपर एक तरह से करवाया राजाकर्स जो है लोगों के ऊपर. द एट्रोसिटीज एंड द कम्युनल नेचर ऑफ द राजाकर्स न्यू नो बाउंड्स. दे मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स. अब ये जो रजाकर्स थे इनका जिस तरह का व्यवहार था उनकी कोई सीमा नहीं थी. उन्होंने मर्डर भी किए, रेप भी किए, लूटा भी और खासतौर से नॉन मुस्लिम्स को ज्यादा टारगेट बनाया. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्मी भेजनी पड़ी इस सिचुएशन से निपटने के लिए. इन सेप्टेम्बर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन कंट्रोल द निजाम फोर्सेज. 1948 में इंडियन आर्मी ने जो है निजाम की फोर्सेज को कंट्रोल में कर लिया. After a few days of intermittent fighting, the Nizam surrendered. अब ये जो fighting हुई कुछ दिनों की उसके बाद निजाम ने surrender कर दिया. This led to Hyderabad's accession to India. तब जाके हैदराबाद जो है वो इंडिया में शामिल हुआ है. अब है मणिपुर. A few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodh Chandra Singh, signed the instrument of accession with Indian government on the assurance that the internal autonomy of the Manipur would be maintained. इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले जो मणिपुर के महाराज थे बोध चंद्र सिंह, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ इस एश्योरेंस पे कि जो उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी है मणिपुर की वो वैसे ही चलती रहेगी. अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हैड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब जब पब्लिक की राय का ज्यादा दबाव पड़ा तो महाराजा को जो है इलेक्शंस करवाने पड़े मणिपुर में जून 1948 में और स्टेट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया.
Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. तो मणिपुर जो है वो पहला हिस्सा था इंडिया का जहां इलेक्शन हुए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे. इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मणिपुर मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया. लेजिस्लेटिव असेंबली जो मणिपुर की थी वहां पर सब लोगों की बहुत अलग अलग जो है एक तरह से राय थी इस क्वेश्चन को लेकर कि मणिपुर जो है वो इंडिया में मर्ज हो या नहीं. वेल द स्टेट कांग्रेस वॉन्ट द मर्जर अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू दिस. अब जहां स्टेट कांग्रेस मर्जर चाहती थी वहीं पर और पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध कर रही थी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराज इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949 विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसने महाराजा पे एक तरह से प्रेशर इतना डाला कि वो जो है मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लें और उन्होंने कर भी दिया सितंबर 1949 में बिना जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की उससे सलाह किए हुए. दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर द रिपरकशंस ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट. और उससे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा विरोध हो गया मणिपुर में और उसका जो प्रभाव था उसका जो रिएक्शन था वो आज भी महसूस किया जा सकता है.